हाय स्टूडेंट्स, हमने कल तक जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सामान्य नियम और अपवाद हमने डिस्कस किए, आज हम जो नेक्स्ट जो सेंटेंसेस जो सॉल्व कर रहे हैं वो जो हमने अभी तक जो नियम पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस है तो उन्हें हम बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब जो सेड टू है वो सेड टू किसे बदलेगा, टोल्ड में, क्योंकि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, कोमा और इंवर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं, कोमा और इंवर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं और ये असल के सेंटेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है, सर सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन में या कंडीशन के रूप में किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। तो ही टोल्ड मी दैट, अब ये आई है इस ही के अकॉर्डिंग किसे बदल जाएगा, ही में, और ऊपर वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो हम यहाँ हैड का प्रयोग कर रहे हैं, ही है। अब परफेक्ट कोई भी हो, प्रयुक्त होने वाली बात कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होते हैं, ऊपर भी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। मैं वापस से क्या लिख दिया है, थर्ड फॉर्म लिख दिया है। दैट ही हैड कंप्लीटेड और माय किसे बदल जाएगा, हिज में बदल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ हम क्या यूज करें, ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, प्रकार से ये सेंटेंस बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर सेकंड, सी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी, ठीक है ना। तो सेड टू को हम किसे बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, किसे बदलेंगे, टोल्ड में, सी टोल्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद में कोमा रिमूव कर, कोमा हमें कंप्लीटली हटा देना है। असर्टिव सेंटेंस है, घटा से शुरू हो रहा है, कंडीशन के रूप में किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखें सेंटेंस में जब असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो अर्थात कथनात्मक जो वाक्य होता है, भले असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। तो हम कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आप कंजंक्शन कह सकते हैं, कनेक्टिव वर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी, इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो सेड टू को तो हम बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सी टोल्ड हिम इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग किया है, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया है। तो दैट कनेक्टिव के बाद में या तो सी सेड टू हिम और ये हिम के अकॉर्डिंग किसे बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, इसमें ही में बदल जाएगा। ठीक है, तो यू आर वेरी बिजी क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी बिजी में ये सेंटेंस बदल जाएगा। सी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी बिजी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड, ही सेड यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ठीक है ना। ये सेंटेंस जब हम बदलेंगे तो सेट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेट सेट में ही रहेगा। असर्टिव सेंटेंस है ये भी,
प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग हो गया, दैट का। दैट ये यू किसे बदल जाएगा, ही सेड यू कैन टेक अस फॉर आई में यू बदल जाएगा आई में, ठीक है ना। तो आई और कैन बदल जाएगा खुद में, कैन किसे बदल जाएगा खुद में। ही सेड यू कैन टेक अस फॉर आई इन सेंटेंस, ही सेड दैट आई विल, बाकी मैं तो बता देगी टेक अस फॉर आई इस प्रकार से ये सेंटेंस हाँ बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर, ही सेड आई लिव देयर फॉर अ मंथ। इस सेंटेंस को बदलना, इस सेंटेंस को बदलने के लिए हम जो सामान्य बदलाव करेंगे उस प्रकार से करेंगे। नंबर फोर्थ वाला जो सेंटेंस है इसमें सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट को सेट में रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा देंगे और यहाँ दैट का प्रयोग हो जाएगा। आई किसे बदल जाएगा, ही में, किसे बदल जाएगा ही में। ही सेड आई क्या है, ही सेड दैट ही, और लिव कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड है, क्या है, हेड है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हेड लगा देंगे और ये हेड के बाद में जो लिव्ड आ रही है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। ऊपर आई लिव्ड में आई के साथ जो लिव्ड है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हेड के बाद जो लगी हुई है ये लिव्ड की थर्ड फॉर्म है। He said that he had lived there for a month. इस प्रकार से हमने इन sentences को बदला है। ये sentences सामान्य sentences है, ज़्यादा complicated sentences नहीं है, क्योंकि पूरे basic से first exercise के sentences है, ठीक है ना। सारे assertive है, तो assertive sentence को जो किस प्रकार से बदलते हैं, assertive sentence को बदलने के लिए जो सामान्य बदलाव करते हैं वो हमने इन सेंटेंसेस में सीखा कि असर्टिव सेंटेंसेस को बदलने के लिए कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होता है। इसका होता है दैट का प्रयोग होता है, इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स। ये सीधे कथन होते हैं, ठीक है, सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद में क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा होता है उसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और रिपोर्टेड का जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसे हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्य बदलाव करते हैं। टेंस को बदलने के सामान्य नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पेसिफिक टेंस को हम क्या करते हैं, सिंपल परसेंट होता है उसको हम उसमें बदल देते हैं सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को किसमें बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई बदलाव नहीं होता है। और मॉडल के रूप में कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। और जो ये वुड माइट कुड शुड और तो इन्हें नहीं बदलते हैं, मस्ट को हम कभी कभार हेड में बदलते हैं और मस्ट को मस्ट में भी आप रख सकते हैं। तो ये सामान्य बदलाव करके कल वाली जो अपनी एक्सरसाइज होगी वो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज होगी, उसमें हम ज़्यादा सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, मतलब 7-8 सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। आज मैंने 4 सेंटेंस को चूज किया है वैसे तौर पर, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ
हमने डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक को टेंथ में भी अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है ना। तो टेंथ में पढ़ा हुआ है, आखिर नया टॉपिक ये नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें थोड़े और नए सेंटेंसेस और ज़्यादा सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहें और समय का सदुपयोग करें। फ्रेंड्स वगैरह अन्य भी आपके मिलने वाले हैं, उन्हें आप इन चैनल को हमारा चैनल इसे सब्सक्राइब करने का कहें, बताएं और नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।